जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कोविड का कर्फ्यू जो है वो कल से लगा है और 3 तारीख को सुबह 5 बजे तक रहेगा। कल पहला दिन था, इस वजह से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि बहुत सारी जानकारियां ना रही हूं, लेकिन आपसे मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि देहरादून ने जिस तरीके से पहली वेव में अनुशासन दिखाया और सारी गाइडलाइन का पालन किया, जिससे हमने केसेस कम कर पाए थे, इन्फेक्शन को रोक पाए थे, उसी तरीके का अनुशासन इस बार भी हम सब मिल करके दिखाएंगे और हम सब आपस में एक दूसरे का सहयोग करके इस बार भी जो केसेस हैं उनको हम रोक पाएंगे। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अननेसेसरी बाहर नहीं निकलें। अननेसेसरी अगर कोई भी बाहर निकलता है, अगर झूठ बोल के कोई इस तरीके के गलत रीज़न से बाहर निकलता है तो डेफिनेटली उस पर पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी और जिससे आपको भी आगे दिक्कत होगी और अननेसेसरी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी दिक्कत खड़ी होती है। इसलिए आप सभी एक दूसरे का सहयोग करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार भी इस लड़ाई में जीतेंगे और आप लोगों के सहयोग से जिस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में रहेंगे और घरों में रहने के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि इस तरीके का अनुशासन दिखाएं, जो गाइडलाइंस है उसको पालन करें। मेरा युवाओं से विशेष रूप से अनुरोध है कि वो अपने लिए और अपने परिवार में जो उनके बड़े बुज़ुर्ग हैं या ऐसे लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखें और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलें। अगर कोई बहुत अवश्यंभावी कार्य है, बहुत ज़रूरी काम है, तभी घरों से बाहर निकलें। धन्यवाद।